इधर कांग्रेस ने कहा है कि वो एग्जिट पोल पर टीवी चैनल्स में होने वाली चर्चा में हिस्सा नहीं लेगी और इस पर अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा है। अमित शाह ने कहा है कि इन लोगों की प्रचंड हार होने वाली है, इसलिए ये कैसे मीडिया के सामने आएंगे। कांग्रेस का काम ही है सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम और सभी एजेंसियों पर सवाल करना। आपको सुनवाते हैं अमित शाह ने और क्या कहा। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करें, इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शत्रुमुख वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता, डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।